गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। सेशन है रिगार्डिंग ईपीएफओ असिस्टेंट 2019 वैकेंसीज। जैसे कि आप जानते हैं, कल ही असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ और कल ही ईपीएफओ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक कोरिकेंडम रिलीज़ किया, एक नोटिस रिलीज़ किया जिसमें वैकेंसी के बारे में बताया गया। अब जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है, पर अच्छी न्यूज़ मैं इसको नहीं मान सकता। कारण अभी हम खुद ही देखेंगे। मैं इधर यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हूँ ईपीएफओ की। सबसे ऊपर वाला लिंक अगर आप देखें, कोरिकेंडम ऑफ रिवाइज वैकेंसी पोजिशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, पीडीएफ पे क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो आएगी। अब चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बेसिकली आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वैकेंसीज नोटिफाइड अबव आर सब्जेक्ट टू चेंज। ईपीएफओ रिजर्व्स द राइट टू वेरी द वैकेंसीज इंक्लूडिंग रिजर्व्ड वैकेंसीज एज पर फर्दर असेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये नोटिफिकेशन के अंदर ही क्लियरली ईपीएफओ ने मेंशन कर दिया था कि हम पूरा का पूरा राइट ईपीएफओ हमारे पास रहेगा अगर हम वैकेंसी रिवाइज करना चाहें तो, अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट्स। और वही हुआ है। देखिए, ये पढ़िए एक बार, पॉइंट ए देख लीजिए एक बार। इन द नोटिस फॉर नंबर ऑफ पोस्ट, जो 280 टोटल आपकी पोस्ट निकली थी, वो अब इन्होंने घटा के 240 240 कर दी है। जो 280 आपकी पोस्ट थी उसको कम करके 240 कर दिया गया है। और नीचे कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको दिया गया है। ये ओरिजिनल टेबल था वैकेंसीज का और ये रिवाइज्ड, नीचे वाला रिवाइज टेबल है। तो जैसे देखिए, जनरल के लिए 113 थी, अब वो घट के 99 हो गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 28 थी, अब 23 हो चुकी है। एससी के लिए 42 थी, अब 36 हो चुकी है। एसटी के लिए 21 थी, अब 18। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 76 थी, अब 64 हो चुकी है। और इन टोटल 280 थी, जो अब घट के कितनी हो चुकी है, 240 हो चुकी है। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी का अगर आप देखें तो कैटेगरी ए का सेम है, कैटेगरी बी भी सेम है, बस कैटेगरी सी में एक का फ़र्क है, कैटेगरी ए और डी की भी सेम है। तो थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, पर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि क्या नोटिस, क्या अपडेट्स ईपीएफओ ला रहा है। तो उन्होंने जस्ट कल ही ये जो कोरिकेंडम है रिलीज़ कर दिया था। कल मुझे टाइम नहीं मिला और बाकी आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस बनाने में बिजी था, इसलिए मुझे समय नहीं मिला। तो मैंने सोचा आज आपके साथ में शेयर कर दूं कि 280 जो वैकेंसीज थी, अब आपको उसको रीड करना है एज 240। मतलब रिवाइज कर दी है वैकेंसी और अब वैकेंसी घट चुकी है, 40 वैकेंसीज कम हो चुकी है। ठीक है, और ये जाने से पहले फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, जो जो स्टूडेंट्स आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम दिया हुआ था, जिन्होंने रिजल्ट तो आ चुका है, आज शाम को लेट शाम को आज स्कोर कार्ड और कट ऑफ आ जाएगा। और उस पर एक सेपरेट बहुत ही डिटेल्ड डिस्कसिंग वीडियो, मैं आपको डिस्कशन वीडियो पूरा का पूरा बनाऊंगा। जिन बच्चों का नहीं हुआ, अब उनको आगे क्या करना है, किस तरह अपने स्कोर कार्ड को पढ़ना है, कैसे उसको ब्रेक डाउन करके कैसे आगे वाले एग्जाम्स में यही गलतियाँ नहीं करनी है, तो नज़र रखिएगा। अपना स्कोर कार्ड आपको ज़रूर देखना, आज शाम को स्कोर कार्ड आ जाएगा, आपको सेपरेट वीडियो रात तक प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।